अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत विजिटिंग प्लेस पे जो कि फैमिली के लिए बहुत ही मौजू है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं वहाँ पर, तो आपको बताते हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। मैं रहने वाला हूँ गुजरांवाला शहर से और मेरे सिटी से इसका तकरीबन जो किलोमीटर्स में है वो 44 किलोमीटर्स है और एक घंटे की ड्राइव है। अगर कोई दोस्त किसी और सिटी से आ रहा है तो उससे पहले वज़ीराबाद बाईपास पर पहुँचना होगा और वहाँ से इसका तकरीबन फासला 15 किलोमीटर है। आइए हम गुजरांवाला से सफ़र स्टार्ट करते हैं और अभी हम ये पिंडी बाईपास फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। ये अगस्त का महीना है तो हम वहाँ जाके करने वाले हैं मैंगो पार्टी। हमने घर से वाटर कूलर रख लिया है और अभी हम मैंगो की रेडी पे पहुँच चुके हैं। आम तो हमने ख़रीद लिए लेकिन गर्मी बहुत है, इसके लिए अब हम ढूँढ रहे हैं बर्फ़। अभी पहुँचे हम DC कॉलोनी, उसके बाद राह वाली सिटी में। तो रावली सिटी में हमने फिर वहाँ पे एक शॉप ढूंढी बर्फ़ वाली और वहाँ से ली बर्फ़। अब हमने कूलर को भर लिया है मैंगो और बर्फ़ से, वहाँ जाके होगी ठंडे ठंडे आमों की पार्टी। ये पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे पार्क्स, आबशार और वहाँ पे मस्जिद, एवरीथिंग सहूलतें मौजूद हैं। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट और फैमिली के लिए झूले वगैरह सब कुछ एवरीथिंग है। आप मेरे साथ रहिए और आपको आइए दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। और हम पहुँच चुके हैं वज़ीराबाद बाईपास पे और यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट टर्न, क्योंकि सीधा रास्ता जा रहा है वज़ीराबाद सिटी की तरफ और हमने जाना है GT रोड बाईपास पे। और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद एक लेफ़्ट रोड आ रहा है जो कि रसूल नगर रोड है, उस पर आपने टर्न लेना है और वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद हेड खान की है सीधा रोड जा रहा है। मैं पहुँच चुका हूँ हेड खान की बैराज पे और ये उसका बहुत ही खूबसूरत रोड और यू टर्न के लिए उन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल से बनाया हुआ है, जिसका सीन देखें आप भी। ये वाला रोड जा रहा है हेड कादराबाद की तरफ, लेकिन मैं वहाँ तो नहीं जा रहा, इस तरफ मैंने थोड़ा सा मूव किया और मैं एक कच्चा ट्रैक उतरा नीचे, जिस तरफ पानी में उभरा उस तरफ साथ जाके, तो इसको बोलते हैं बंद, जो कि इसका बंद बना हुआ है। इस पर हम चले गए हैं आगे, थोड़ा सा फैमिली है मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के तो अपना पिकनिक बना रही हैं। कुछ लोग घर से खाना बना के लाते हैं, कुछ कुछ जैसे भी कुछ लोग टिक्का पार्टी भी कर रहे थे मैंने देखा वहाँ पर, तो हमने भी वहाँ पर एक साइड पर जाके गाड़ी लगा ली। हमने भी एक साइड पे गाड़ी लगाई और यहाँ पे पहले तो बच्चों के साथ खूब मस्तियाँ हुई, खेल कूद हुई और बहुत ही खूबसूरत व्यू था उस दिन। दरिया में पानी भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था। तो उसके बाद हमने की फिर मैंगो पार्टी, तो आइए आपको दिखाते हैं मैंगो पार्टी। Time to
पार्टी के बाद हम तो भाई वापस जा रहे हैं घर की तरफ यहाँ पे। लेकिन ये बहुत बड़ा पार्क है, हम इसमें नहीं जा पाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। बहुत शुक्रिया आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।